तो हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटीफुल में। तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी रोटी बनाने की घर में बताऊंगी, जो जिसे बनाना बहुत आसान है। तो चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है। तो तंदूरी रोटी बनाने के लिए मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर दिया है। ये मैंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग तेल आटा को लिया है। ये गेहूं का आटा है। तो मैं अब इसमें 4 चम्मच बड़े चम्मच से ऑयल को ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसमें घी को भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं नॉर्मली आटा रोटी बनाने के लिए गूंथती हूँ, वैसे ही मैं इसे भी गूंथ लूंगी। हाँ देखिए, मैंने आटे को गूंथ लिया है। मैं इसे एक गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट बाद इसे खोल के देखूंगी। तो यहाँ देखिए फैन, मैंने इसे 10 मिनट तक छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेती हूँ। रेस्टोरेंट में बहुत मोटे मोटे से लोई बनाते हैं, लेकिन आप घर पे बना रहे हैं इसलिए इसे छोटे छोटे ही बनाएं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने अपने चारों लोई को लंबा लंबा सा कर लिया है। अब जब मैं यहाँ पे गोल नॉन नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे मैं लंबी लंबी बनाऊंगी इसे, इसलिए इसे लंबा लंबा बेल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने अपने चारों लोई को बेल लिया है लंबा लंबा सा। अब इसमें मैं हल्के हल्के अपने फिंगर की हेल्प से पानी को लगाऊंगी। बिल्कुल हल्के हल्के से लगाएंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं लगाएंगे, वरना ये गीला हो जाएगा। इसी तरह से अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, सिल्वर का कढ़ाई है। नॉन रोटी हमेशा सिल्वर की ही कढ़ाई में बनाया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन में नहीं बनता, नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बनता है। तो मैंने इसे गर्म होने के लिए बैठा दिया था और ये मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो मैं इसमें हल्की हल्की सी ऑयल को लगा देती हूँ। आप चाहे तो घी को भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को लगा रही हूँ। ये देखिए साइड साइड में लगा लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। और यहाँ पे एक एक रोटी को साइड में ऐसे ऐसे लगा देते हैं, थोड़ा सा जगह में स्पेस दे दे के लगा देते हैं। और 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह लो फ्लेम में पकने देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरे जो नॉन है वो फूलने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसे तो इस कढ़ाई को मैं जस्ट उल्टा पलट दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने नॉन वाली जो रोटी है उस कढ़ाई को जस्ट वैसे ही पलट दिया है और गैस के फ्लेम को एकदम लो कर लूंगी और इसे 3 से 4 मिनट के बाद पलट कर देखूंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने अपने कढ़ाई को पलट लिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। ये मैंने 4 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर सेका है। ये देखिए मेरे गर्मा गर्म से नॉन बन के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। अब चलती हूँ, मैं इसे छोड़ा के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये इस टाइप के होते हैं ना, इससे ये आराम से छूट जाते हैं। ये देखिए आराम से ये मेरे निकल जा रहे हैं सारे के सारे। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसमें घी को लगा देती हूँ। इस तरह से आप बना के अपने फैमिली अपने बच्चों को खिला सकते हैं और देखिएगा आपका सब कितना तारीफ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक मोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे नॉन बन के कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं, बिल्कुल कुरकुरी। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।